नमस्कार दोस्तों, सिटी लाइव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं दीपक गोस्वामी और आप इस समय देख रहे हैं आपकी बात हमारे साथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए हर वो सब्जेक्ट लेकर आते हैं, हर वो विषय लेकर आते हैं जो आम जनता से जुड़ा हुआ होता है। आज इसी कड़ी में हम एक बार फिर, क्योंकि पहले भी हम स्कूल फीस को लेकर कुछ डिबेट कर चुके हैं और आज एक बार फिर जब लॉकडाउन खत्म हो चुका, स्कूलें खुल चुकी हैं, तो हम फिर इसी विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। क्या स्कूलों की फीस माफ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? साथ ही जो न्यायपालिका है, जो सरकार है, उनके क्या विचार हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज जो मौजूद है चर्चा में, मैं आपका उनसे परिचय करवा दूं। हमारे साथ सबसे पहले जो शामिल है वो है शांतनु शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ एडवोकेट है राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर में। हमारे साथ हैं मनीष विजयवर्गीय जी, जो कि संयोजक हैं अभिभावक एकता आंदोलन राजस्थान से। और हमारे साथ मौजूद हैं दीप्ति तिवारी जी, जो कि अभिभावक हैं सीडलिंग स्कूल की और साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्षा हैं महिला मोर्चा राष्ट्रीय परशुराम सेना की। आप तीनों का सिटी लाइव में हार्दिक स्वागत। सबसे पहले मेरा जो पहला सवाल है वो है शांतनु शर्मा जी से, जो कि वरिष्ठ एडवोकेट हैं राजस्थान हाई कोर्ट में। शांतनु जी, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था, उस आदेश के क्या मायने हैं, क्या वो आदेश लागू हो चुका है या होने वाला है? और आप, क्योंकि लगातार बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए आप अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, तो आपके विचार से क्या इस तरह का निर्णय जो है वो किस नजरिए से हम देख सकते हैं? नमस्कार सभी को, मेरा नमस्कार। और दीपक जी, जहां तक की निर्णय की बात है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक अंतरिम आदेश है, इंटरिम ऑर्डर है, जो कि 8 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसमें ये कहा गया कि जो है 100% फीस दी जाएगी, 6 इंस्टॉलमेंट के अंदर दी जाएगी। ये अपने आप में कंक्लूसिव ऑर्डर नहीं है, क्योंकि उसके बाद 15 फरवरी को जो है मैटर लगा था और उसको अभी रिजर्व कर लिया गया है बेंच के द्वारा। और बेंच कभी भी अपना जो निर्णय है, एक हफ्ते भर का समय दिया था कि कोई पार्टीज रिटन आर्ग्यूमेंट अगर देना चाहे तो वो दे सकती हैं। तो वो सारी फॉर्मेलिटीज हो जाती हैं, वो सारा रिकॉर्ड तलब होने के बाद जो प्लीडिंग राइटिंग में भी हैं और आर्ग्यूमेंट्स जो हुए हैं उन सबको देखते हुए उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कोई फाइनल निर्णय लेगा। तो पहली बात तो ये है कि ये निर्णय अभी कंक्लूसिव नहीं है, बाइंडिंग जरूर हो सकता है लेकिन टेम्परेरीली है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है, मेरा ये मानना है कि इंटरिम ऑर्डर में 6 इंस्टॉलमेंट की जो बात कही है, अगस्त तक देने हैं एक एक महीने के हिसाब से जो भी, तो वो होगा, उससे पहले फाइनल निर्णय आ जाएगा। और मेरा ऐसा, हालांकि इस बारे में कहना कुछ भी जल्दबाजी होगी, लेकिन जितना की मेरी समझ है, जितना मैं समझ रहा हूँ, उस हिसाब से कोई ना कोई रियायत जो है अभिभावकों को जरूर मिलेगी इस केस के अंदर, क्योंकि ऐसा भी मेरा मानना है कि एक फी रेगुलेशन एक्ट का कोई जो केस था उसको उसके साथ में अटैच करके सुना गया, तो उस समय कुछ शायद क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं रही होगी, मे बी दिस इज द रीजन। और उसके बाद जब फाइनल वर्डिक्ट आती है तभी हम उसका जो है बेहतर वे में विश्लेषण कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है तो वो सबके लिए मान्य है, उसमें अच्छा है बुरा कुछ भी नहीं है, ऐसा मेरा मानना है, लेकिन अभी कुछ भी कहना थोड़ा प्री मैच्योर हो जाएगा। बिल्कुल, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। और जैसा कि आप, हम सभी जानते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है वो हम सभी के लिए सर्वोपरि है। मैं यहाँ पर मनीष विजयवर्गीय जी, क्योंकि आप संयोजक हैं अभिभावक एकता आंदोलन राजस्थान के, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से निजी स्कूल के कुछ लोग जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए, माननीय सुप्रीम कोर्ट गए, क्या आप लोगों की तरफ से भी कोई इस तरह की पिटीशन लगाई गई है जिससे कि अभिभावकों को राहत मिले फीस को लेकर? देखिए, अभी जो मामला सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश की जो है हमारे सामने, तो मैं लगातार इस आंदोलन से पिछले 8 महीने से जमीनी लड़ाई लड़ने वाला कार्यकर्ता हूं। बिल्कुल। और ईश्वर ने जो जितनी भी कुवत शक्तियां दी है, जितना उन्होंने उनका और रहा है, उन सब उपयोगिताओं को लेते हुए समाज और राष्ट्र के लिए कहीं ना कहीं एक ऐसा मुकाम है जहां पर सब तकलीफ में वहां खड़ा रहा। और जहां तक आप सुप्रीम कोर्ट में आगे की बात कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा आपसे, मैं चाहूंगा कि आप, एक अलग दिशा है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि बात पेंडिंग चल रही है, मामला भी फाइनल डिसीजन आना है जी, तो उस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि आप लोगों ने अपना पक्ष भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने
समक्ष रखा है या नहीं रखा है, या आपकी तरफ से वहां पर कोई अपनी बात रखने के लिए आगे आया है? हाँ, निश्चित रूप से अभिभावकों के वहाँ वकील जो चार अधिवक्ता थे उन्होंने अपनी तरफ से बात रखने का प्रयास किया, लेकिन मुझे जानकारी में आया कि जो सरकार के वकील थे वहां पर जब उन्होंने बात रखी थी तो कुछ टेक्निकली फॉल्ट आने के कारण वो बात वहां तक पहुंच नहीं पाई थी जी। या कहीं ना कहीं जैसे कहा जाता है कि न्यायपालिका तथ्यों के आधार पर काम करती है, एक आंख पे पट्टी बंदी होती है और जो तथ्य होते हैं उसके आधार पर फैसला होता है, तो वही फैसला मुझे लगता है इस बार आया। कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही होंगी, इसको स्वीकार करना चाहिए कि हमारी बात वहां तक नहीं पहुंच पाई। और अभी भी क्योंकि आगे भी जहां तक है वकील हमारे साथ में भी बने हुए हैं कि ये आगे हैं, अगर कोई भी निर्णय आता है तो उसके आगे जाकर भी उसको सुनवाई हो सकती है, तो ये एक अपने आप में एक प्रोसेस है जो चल रहा है और अंतिम आदेश का हमको इंतजार है जी। लेकिन फिर भी मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, भले ही अंतिम आदेश हो लेकिन ये ऐसा झटका है जो कहीं ना कहीं न्याय की व्यवस्था उसकी प्रणाली के ऊपर कहीं ना कहीं संशय लाता है एक आम व्यक्ति के मन के अंदर। और इस देश का जो व्यक्ति कानून के ऊपर इतना विश्वास करता है और इतना सारा लाखों 70 लाख तो राजस्थान के अंदर अभिभावक है, इतना बड़ा वर्ग के ऊपर ऐसा एक निर्णय दे दिया गया जो कि हर व्यक्ति को लगता है कि स्कूल तो कई खर्चे उनके बच गए, बिजली नहीं वहां चली और कई खर्चे उनके फीस उन्होंने अपने जो शिक्षक थे उनको उन्होंने कटौती करी, वहां पर स्टाफ में कटौती करी, ये तो दिखती थी जन जाहिर बात है। ऐसे में अंतरिम आदेश भी आया तो किस आधार पे और किस तरह से आया, ये बड़ा अपने आप में अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक चीज है। इस विषय पर हमने कुछ निजी स्कूल के जो ऑनर्स हैं, जो वहां के प्रिंसिपल हैं, उनको भी इस चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई हमारे पास जवाब नहीं आया और वो हमारे कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए। चलिए फिर भी हम दोनों की ही बात रखते हैं क्योंकि हमारा काम है दोनों पहलुओं को रखना, क्योंकि एक तरफ जहां बच्चों की फीस लगातार मांगी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जो शिक्षक हैं, स्कूल के जो कर्मचारी हैं, उनको बहुत से लोगों को हटा भी दिया गया, उनकी जो सैलरी है वो कहीं कहीं तो 50% कम कर दी गई या उससे भी कम में उनको पेमेंट किया गया। लेकिन क्या आम लोगों को बिना स्कूल जाए, बिना स्पोर्ट्स में भाग लिए, बिना लाइब्रेरी को अटेंड किए, बिना किसी गाड़ी के भी उनको ये फीस देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दीप्ति तिवारी जी हैं जो कि अभिभावक हैं। दीप्ति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा, लगातार जो करीब 1 साल तक बच्चे स्कूल नहीं जा पाए उसके बावजूद भी उनसे स्पोर्ट्स फीस, उनसे लाइब्रेरी फीस और न जाने कितनी फीस उनसे वसूली जा रही है, आप क्या अभिभावक होने के नाते आप क्या मानती हैं कि ये उचित है या कितना अनुचित है? नमस्कार दीपक जी। बिल्कुल आपने जो चीज कही है वो चीज के बारे में आपको यही बताना चाहूंगी कि ये बिल्कुल एक तरह से राइट नहीं बनता जिस तरह से स्कूल जो है हम लोगों से फीस ले रहा है, क्योंकि देखिए अगर देखा जाए तो एकेडमिक सेक्शन में हमारे बच्चों के ना तो कोई एनुअल स्पोर्ट्स, ना कोई एनुअल फंक्शंस, इनफैक्ट हम लोगों के बच्चों के ना तो किसी तरह के प्रोजेक्ट्स और कोई भी तरह का कार्य नहीं किया गया। यानी कि अगर मैं देखूं तो 30% भी कार्य नहीं किया गया। अगर बच्चों को अगर बोला गया तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए, जिसकी वजह से एक अभिभावक होने की वजह से मैं बोल सकती हूँ कि बच्चों के आईसाइट में भी प्रॉब्लम आई, हम लोगों ने गैजेट्स में भी खर्चा किया, हम लोगों ने नेट में भी खर्चा किया, लेकिन उसका भी कहीं कोई भी महत्वपूर्ण कोई भी चीज नहीं रही। मोबाइल भी परचेज करके देना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ा हम लोगों को। एक समय था जब बच्चों को स्कूल में मोबाइल भी नहीं ले जाने दिया जाता था और अब क्योंकि सभी को मोबाइल हाथ में दे देंगे तो वो भी उनको अलग से खरीदना। और आपकी जानकारी के लिए और सभी पेरेंट्स के तहत मैं एक बात कहना चाहूंगी कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस की जगह जब हमने उनको ऑनलाइन क्लासेस के लिए बिठाया तो ऑनलाइन क्लासेस कम होने की वजह से यूट्यूब पे और बच्चों ने गेम्स डाउनलोड करके ये सब चीजें देखना शुरुआत कर दी, जिसकी वजह से बच्चों का माइंडसेट भी बिल्कुल चेंज हो गया। तो बहुत सारे चेंजेस आए, हम लोगों को बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ। मैं दीपक गोस्वामी जी आपसे एक ही चीज जानना चाहूंगी और सभी स्कूल के टीचर्स से, सभी स्कूल के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी ऑनर्स हैं, उन लोगों से पूछना चाहूंगी कि जिस तरह आप लोग 100% हम लोगों से फीस चार्ज कर रहे हैं तो क्यों वो ऑटो ड्राइवर, वो बस ड्राइवर जो हमारे बच्चों को हर रोज सुबह स्कूल लेके जाते थे, छोड़ने आते थे, वो हमारे घर के बाहर क्यों नहीं आए इस साल भर में? क्या हम आपके बच्चों को लेकर जाते थे? तो इस आर्थिक स्थिति में आप लोग हमारी मदद कीजिए।
जबकि उनको वहां पे बहुत ज्यादा जरूरत है, आप समझे, बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो एक ऑटो ड्राइवर को मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि उसकी साल भर में जो बंधी हुई रकम थी, जो एक परिवार से उसको मिलती थी, वो उसके आते से भी बहुत ज्यादा बिगड़ गई। लेकिन किसी भी तरह से किसी भी ऑटो ड्राइवर ने या किसी बस ड्राइवर ने हमारे घर के बाहर आके हमें ये नहीं कहा कि हमारे को पैसे की आवश्यकता है, हम आपके बच्चों को लेकर जाते थे तो हमें पैसा दीजिए। लेकिन जहाँ स्कूल, जो कि मैं मानती हूँ कि स्कूल एक बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति में भी है, सब कुछ है, और उसके बावजूद भी स्कूल ने ये चीज रखा कि हमें 100% दीजिए, तो वो किस बिहाफ पे वो 100% मांग रहे हैं, जबकि बहुत सारे स्कूल टीचर्स छोड़ के जा चुके हैं, बहुत सारे स्कूल टीचर्स की फीस उन लोगों ने जो सैलरी उन्होंने 50% कर दी है, तो किस बिहाफ पे हम 100% दे, वो मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला है स्कूल से। जी बिल्कुल, मैं शांतनु जी आपसे मेरा एक सवाल ये है, क्योंकि आप शुरू से जब भी अभिभावकों की फीस को लेकर स्कूल की बात चली थी, आप उस समय से ही हाईकोर्ट में भी आपने मामला जो है ये लगाया था, उस पर भी आपने काफी गहन स्टडी की है, और अब क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया है, तो आप क्या मानते हैं कि क्या, क्योंकि देखिए न्यायपालिका हो या सरकार हो, ये कहीं ना कहीं आम जनता के हितेशी होती है, आम जनता के लिए ही बनी होती है, तो क्या आपको लगता है कि चाहे हमारी न्यायपालिका हो या हमारी सरकार हो, उनको कहीं ना कहीं अभिभावकों के लिए कोई ना कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखना चाहिए? क्योंकि लगातार देखिए कोरोना के चलते बहुत से लोगों की जॉब भी चली गई, उनके खाने पीने के लिए भी बड़ी परेशानी हो गई, तो क्या आप मानते हैं, क्योंकि आप लगातार न्यायपालिका में खुद बैठते हैं, उनके संपर्क में रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है देश के करोड़ों जो अभिभावक है उनके लिए होना चाहिए या नहीं? दीपक जी आप जो कह रहे हो उसमें पूरी तरह सहमत हूं, और ये फीस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसका सबसे बड़ी चीज एक तो है कानूनी, तो कानूनी पक्ष ये है कि फीस जो है ये डोनेशन नहीं है, डोनेशन और फीस में अंतर है, वो सिर्फ इतना है कि फीस के रिटर्न में कोई रिवॉर्ड या कोई सर्विस होना आवश्यक है। तो यहाँ पे जो दीप्ति जी भी कह रही हैं वो बात बिल्कुल सही है कि जब आपने उससे रेलेवेंट लेबोरेटरी लाइब्रेरी या फैसिलिटी अवेल ही नहीं की तो उसका आप नहीं ले सकते, इस पे कई सैकड़ों जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के खुद के। और जहां तक दूसरी बात, ये तो हो गया लीगल वाली बात, तो उसके तहत मैंने कहा आपको ये डोनेशन नहीं है कि दे दिया और खत्म हो गया, उसके एवज में आपको क्या प्राप्त हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सुविधा शुल्क की तरह है ये। बिल्कुल बिल्कुल, तो शुल्क जहां पे भी है तो वहां पे आपको रिटर्न में आप क्या दे रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो हाईकोर्ट में जो निर्णय आया था वो कहीं हद तक सही था कि उसने 70% तक कर्टेल कर दिया था इस चीज को, तो वहां तक तो मैं ये मानता हूँ कि डोनेशन नहीं है, तो ये फीस है, तो फीस में कहीं ना कहीं क्या सर्विस दी गई स्कूल द्वारा वो देखा जाना चाहिए। नंबर दो ये है कि इसके अंदर सिर्फ हम एक कानूनी बिंदु पे नहीं चलना, एक इसमें पब्लिक वेलफेयर एलिमेंट है, ऐसी कभी कोई स्थिति उत्पन्न पहले नहीं हुई है। तो इस तरह की स्थिति में जब पूरा इकोनॉमिक स्लो डाउन था, स्कूल्स वगैरह फंक्शन नहीं कर पा रहे थे, अनसर्टेनिटी थी, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाई, तो इसमें जो है जो पब्लिक एलिमेंट है उसको थोड़ा ज्यादा वेटेज मिलना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। और तो मैं अभी भी मैं आश्वस्त हूँ कि मेरा मानना है कि सारी चीजें देखने के बाद जो है कोर्ट का भी, क्योंकि निर्णय अंतरिम रूप से ही आया है, अभी फाइनल नहीं है, तो मेरा ये मानना है कि इन सब चीजों को जरूर से देखा जाएगा और उसके अनुसार ही कोई निर्णय लिया जाएगा। बिल्कुल शांतनु जी, जैसा कि आपने कहा कि ये एक महामारी के रूप में एक साल तक लगातार चली है, और जब भी देश और दुनिया में महामारी होती है तो चाहे सरकार हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, या किसी भी तरह का कोई व्यक्ति हो, वो ये कोशिश करता है कि आम जनता को ज्यादा से ज्यादा किस तरह से वो राहत दे सके। क्योंकि लगातार जब हम पिछले अगर सालों की बात करें तो कहते हैं करीब 100 से सवा सौ साल में एक बार कोई ना कोई महामारी इस तरह की आती है जिसमें सभी लोगों को एक साथ एकजुट होकर इस मुकाबले से लड़ना चाहिए, उनसे मुकाबला करना चाहिए, इस महामारी से हमें युद्ध लड़ना चाहिए, और हम एक बार फिर इस महामारी से जीतकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं, एक नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। मनीष जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप लगातार 8 से 10 महीने हो गए आप अभिभावकों के लिए स्कूल प्रशासन से एक अच्छे स्तर पर युद्ध लड़ रहे हैं, तो आपने क्या स्कूल प्रशासन के लोगों से बातचीत की, उनका क्या कहना था? क्योंकि बहुत से स्कूल हमने ये भी देखा है मनीष जी कि उन्होंने 50% फीस भी कम कर दी, बहुत से लोगों ने, बहुत से जिनकी जॉब चली गई थी उनके बच्चों से फीस भी नहीं ली, लेकिन बहुत से स्कूल ऐसे भी हैं जो लगातार आज भी ऐसा प्रेशर बना रहे हैं कि उनको 100% फीस आज ही चाहिए, वरना वो बच्चों का नाम काट देंगे, वो उनको परीक्षाओं में नहीं बैठाएंगे।
आज सुबह ही मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई थी, उनका यह कहना है कि लगातार सुबह 7 बजे से फोन आ रहे हैं कि अगर आपने फीस 100% जमा नहीं कराई तो आपके बच्चों को एनरोलमेंट नंबर नहीं दिया जाएगा, उसको प्रवेश पत्र नहीं दिया जाएगा, उसको एग्जाम में नहीं बैठाया जाएगा। तो क्या आपने मनीष जी अभिभावक स्कूल अभिभावकों के नाते आपने स्कूल प्रशासन से कोई बात की? देखिए, मैं आपने थोड़ी देर पहले विधायिका की बात करी थी, न्यायपालिका की बात करी, उसके बाद आपने मुझे ये भी कहा कि आप युद्ध लड़ रहे हैं। मैं एक अध्यात्म का विद्यार्थी हूँ और हर युद्ध का की परिणति होती है कि शांति और समाधान के लिए युद्ध लड़े जाते हैं, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध लड़े जाते हैं। तो ये कालखंड निकला 8-9 महीना के, हमने भी काफी हर घर इतने स्कूल गए, हमने मुझे जेल भी जाना पड़ा, मेरे मतलब कि जेल नहीं है, थाने में भी, जब हम एमपीएस स्कूल जो एक सामाजिक संस्थान चलाता है वहां पर जब हम गए प्रदर्शन पे, तो कोई भी वहां पर वो ज्ञापन लेने नहीं आए, पुलिस को बुलाया गया और हमको सबसे पहला मैं था जो मुझे मैंने कहा जेल में वहां पर गए हम 5-6 घंटे हम थाने के अंदर रहे इस मामले के अंदर। तो लेकिन ये सारी दौड़ चले गए, बहुत सारी ऊपर नीचे बात हुई, लेकिन समाधान और शांति की बात अपन करें तो ये एक मुकाम है इस समय स्कूलों के लिए, जो हमारे 4 स्तंभ हैं जो हमारे लोकतंत्र के, आज जब ये अंतरिम आदेश इस तरह का आया है जिसने हमको झकझोर दिया है, ऐसे में हमारी उम्मीद जो चारों स्तंभ उनकी बनती है और उस दिशा में अभिभावक एकता आंदोलन ने पहल करी है, उस कदम उठाया है। आज से 5 दिन पहले शहीद स्मारक के ऊपर हमने सभी अभिभावकों के प्रतिनिधियों को, उनके संगठनों को और समाज सेवियों को, जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था और इसके समाधान के मार्ग के लिए आमंत्रित किया था। मैं 3 प्रस्ताव पास किए गए, मैं आपकी जानकारी के मैं के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहूंगा। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि आप अपनी बात जो है वो आम अभिभावकों के बीच में रखें ताकि उनकी भी जानकारी बढ़े और वो भी आपके इस आंदोलन का एक अच्छे आंदोलन का एक हिस्सा बन सके। बिल्कुल, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने मेरी बात को समझा। मैं एक बात एक उदाहरण देना चाहूंगा, जब पति पत्नी में भी झगड़ा हो जाता है और वो मामला कोर्ट तक पहुंचता है तलाक के लिए, तो एक व्यवस्था होती है, कुछ एनजीओ काम करते हैं, सर खुद न्यायालय भी कहता है कि आउट ऑफ कोर्ट जाके सेटलमेंट कर लो, समझाइश के आधार के ऊपर मामला बन जाए और ये परिवार बिगड़े नहीं। तो जो ये स्कूल प्रशासन हमेशा कहता है, यार हमने भी माना कि ये एक परिवार है, अभिभावक है, टीचर है, स्कूल है, बच्चे हैं, एक परिवार है, लेकिन ये कोरोना के अंदर कई मुखड़े जिनकी कथनी और करनी में अंतर था वो सामने आ गए हैं। परिवार थे, हमने आज तक उनको सम्मान करा, फीसें दी सारी की सारी, लेकिन ये पिछले ये जो सेवा का जो क्षेत्र था ये बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने आ गया कि यहाँ पूरा इंडस्ट्री खड़ी हो गई है, ये व्यापार की दृष्टि से और दुकान की दृष्टि से इस चीज को चला रहे हैं। जो मंदिर होने चाहिए थे शिक्षा के, वो आज कहीं ना कहीं व्यवसायीकरण के दौर के अंदर पूरी तरह से असंवेदनशील हो चुके हैं। लेकिन ठीक है, बहुत सारी बातें रही, अब दौर समापन का कहीं अंतिम स्तर के ऊपर हम खड़े हैं, निर्णय आने को है। हमने जो मीटिंग करी उसमें, क्योंकि मैंने पूरे अनुभव के से यही चीज देखी कि अब समाधान की ओर बढ़ा जाए, निश्चित रूप से इसके लिए हमने जो 4 स्तंभ है अपने लोकतंत्र के, न्यायपालिका, तो हम एक रिटायर्ड मजिस्ट्रेट जस्ट साहब को हमारी एक टीम बना रहे हैं, उसके अंदर शामिल कर रहे हैं, नाम हमारे पास 2-3 आए हुए हैं, अभी 2-3 दिन में हम डिक्लेयर करेंगे। दूसरी हम गए सरकार के पास में और मैं अगले ही दिन मतलब 3 दिन पहले प्रताप सिंह खाचरियावास जी से मिले और उनसे जाकर हमारे प्रतिनिधिमंडल से बात करी अभिभावक आंदोलन ने, उन्हें हमसे वादा करा कि जल्दी मैं मुख्यमंत्री जी से बात करके इसके समाधान का प्रयास करता हूं और निश्चित रूप से कुछ अभिभावकों के साथ गलत नहीं होने दिया जाएगा, मैं साथ में खड़ा हूं। ये प्रताप सिंह जी के माननीय मंत्री जी के ये थे। पक्ष के साथ भूमिका बनती है उतनी बड़ी विपक्ष की, क्योंकि विपक्ष की कोई बात आती है तो अगर सरकार काम नहीं करी तो। शिक्षा मंत्री से आपकी मुलाकात नहीं हुई? शिक्षा मंत्री से हम पिछले 4 महीने पहले मिले हैं और उस समय शिक्षा मंत्री जी का जो तथा कि नहीं सर, ये कोर्ट में मामला चल रहा था हाईकोर्ट के अंदर और निश्चित रूप से वहाँ हाईकोर्ट में सरकार के वकील ने अच्छे से बात रखी अपनी और 2016 के एक्ट की भी वो करी, तो वो उन्होंने वहाँ प्रयास किया था। लेकिन अब ये वर्तमान में ऐसी स्थिति है कि शिक्षा मंत्री समय नहीं मिल पाया, मैंने अभी भेजा हुआ उनको समय के लिए, मेरे पास प्रताप सिंह जी से मिले और अभी हमने मुख्यमंत्री साहब को भी ओएसडी साहब को भी भेजा हुआ है कि जल्दी उनसे मुलाकात शायद संभव है, वो परमिशन देंगे तो होंगी। हम उसके नेक्स्ट दिन हम भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष की पार्टी है वहां पर हम उनके पास में गए, माननीय सतीश जी पुनिया जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और उनसे जाके हमने पूरी बात रिटर्न में उनको दी है और वो जो सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव पास हुआ था 2रा प्रस्ताव कि हम लोग इनसे मिले, तो उनसे निवेदन करा है, उनको कहा है कि प्रतिपक्ष के नेता या आपके सारे विधायक इस बात को वहां पर पटल के ऊपर रखें और इस दर्द को वहां तक पहुंचाएं, सरकार कोई इसके ऊपर नियम बनाती है, समाधान लेके आती है तो उसका आप समर्थन करें और यदि वहां से कोई एक्टिविटी होती है तो आप अपने जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने दायित्व का करें और विपक्ष के नाते से इस बात को जनता के दर्द को वहां पहुंचाएं और सारे विधायक एक मत में वहां पर इस बात को बोलें और हमको किसी पार्टी से मतलब नहीं, अभिभावक को राहत चाहिए, हम सब ने मिलकर आपको भेजा है, सब लोग मिलकर बहुत ही इसके ऊपर संजीदगी से विचार करके एक मत से इसके अंदर राहत दी जानी चाहिए।
तीसरा पक्ष आता है अपना कार्यपालिका का, तो वहां से भी हम रिटायर आईएएस ऑफिसर आरएएस ऑफिसर से बात चल रही है, उनको भी हम कमेटी में शामिल करने जा रहे हैं। और चौथा आता है मीडिया का, तो मीडिया में भी हमारी बात चल रही है जो है उनसे, हम एक समिति बनने वाली है, 2-3 दिन में हम इसकी घोषणा करेंगे। और ये समिति स्कूल प्रबंधन, क्योंकि ये मामला है अभिभावक और स्कूल प्रबंधक होगा, बाकी सब है। तो अभी तक 8 महीने के अंदर एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई समझौता वार्ता हुई हो। तो मैं आपके माध्यम से और मुझे ये कहना चाहूंगा कि हम जल्दी ही उनको एक लव लेटर लिखने वाले हैं कि जो भी है आप इस बारे में प्रेम पूर्ण निवेदन के रूप में आप आइए, मानवीयता के आधार के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अपनी जगह आएगा, लेकिन क्या यदि ये 100% मान लीजिए रह गया, तो क्या आपके अंतरात्मा इसको जवाब देगी कि ये न्याय है? ये न्याय बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल न्याय नहीं है। तो आप जब स्कूल सेवा के लिए जुड़े हुए हैं, तो उस सेवा के भाव को आगे लेते हुए आगे आइए और आकर एक अच्छा एक वो दीजिए, जिससे कि सब जगह गरिमा बनी रहे आप लोगों की भी और अभिभावकों की। ये दौर चल जाएगा, लेकिन कम से कम ये संबंध रहे, तो ये अवसर है, हम समाधान की ओर बढ़ रहे हैं। और उम्मीद करता हूं कि कोर्ट भी फाइनली आदेश में सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं राहत देंगे, और उसके अलावा भी ये सारे जो न्यायपालिका के तंत्र हैं, इन सबके माध्यम से कहीं ना कहीं समाधान निकलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी प्रार्थना है आपके माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल दीप्ति जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप अभिभावक हैं और सीधे अपने बच्चे के साथ साथ दूसरे बच्चे और दूसरे अभिभावकों से भी आप लगातार जुड़ी रहती हैं, आपको क्या इस तरह का कोई प्रेशर आ रहा है स्कूल से कि पूरी फीस जमा कर, क्योंकि लगातार बहुत से लोगों की शिकायतें हमारे पास आई हैं, बहुत से लोगों की बात हमारे पास आई है कि लगातार जो स्कूल प्रशासन है वो उनके ऊपर दबाव दे रहा है कि उनके बच्चों को 100% फीस जब तक जमा नहीं करेंगे तब तक उनको एनरोलमेंट नंबर या उनको प्रवेश पत्र या एग्जाम उनको नहीं बैठाया जाएगा, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी दीपक जी, पहले तो मैं एक चीज कहूंगी, जो ये मुहिम चलाई गई है मनीष जी के द्वारा, जो अभिभावक एकता आंदोलन जो इन्होंने चलाया, ये बहुत ही अच्छा है, जो कि इनके द्वारा मैं ये मानती हूँ कि आज जितने भी परिवार हैं, जितने भी अभिभावक हम जुड़े हुए हैं, हम सभी को ही जो भी फैसला रहेगा वो फैसला आगे जो भी रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जो इन्होंने मुहिम चलाई है उसे पॉजिटिव ही फैसला मिलेगा हम लोगों को। और दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि प्रेशर की बात, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब 70% के लिए भी आया था उस टाइम भी हमने स्कूल में बात करी थी, और ये बोला गया था कि 70% आप फीस जमा करवा दीजिए। तब हमने ये कहा था कि जो कि छोटे बच्चे हैं, जैसे हमारा बच्चा 4th में है, 3rd में है, 2nd में, तो वो एक तरह से एक मायने नहीं रखता है, जो कि मेरे को पर्सनली लगता है एज अ पेरेंट होने के नाते कि मैं वो 70% भी जमा करवाऊं, क्योंकि यदि अगर बच्चा मेरा 9th, 10th, 11th, 12th में होता है तो मैं मानती हूँ, क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबल बच्चा बन जाता है, तो वो अपनी स्टडीज को भी देखता है, लेकिन एक छोटे बच्चे जो कि अभी मोबाइल उठाते हैं, उनको मीटिंग क्या लिंक तक ज्वाइन करना नहीं आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है कि मैम क्या बोल रही है, तो उनके लिए वो 70% भी बहुत ज्यादा था। तो उन्होंने बोला नहीं आप 70% करा दीजिए, लेकिन मैं आपकी जानकारी बता दूं कि जब मैं काफी सारे पेरेंट्स से मिली, तो काफी सारे पेरेंट्स ने सिर्फ अपने बच्चे को ना टीसी मिल जाए या उनके बच्चों का प्रमोशन ना हो, इस डर के मारे उन्होंने 70% भी जमा करवाया। लेकिन अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उनको अब स्कूल से प्रेशर आ रहा है कि बाकी का बचा हुआ पैसा भी वो जमा करवा दें, यानी कि स्कूल जो चाहता है कि हमारे को 100% मिल जाए। हम 100% भी फीस देने के लिए बोलते हैं, लेकिन उस 100% फीस का वो क्या रिटर्न दे रहे हैं, जैसा कि अभी सर ने भी बोला कि वो जो फीस है हम एक डोनेशन के रूप में नहीं दे रहे, हम फीस दे रहे हैं उसका रिटर्न भी हमें चाहिए। अब रिटर्न एक्चुअली में वो रिटर्न मायने रखता है 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि मैं मानती हूँ कि हाँ ठीक है वो बच्चे पढ़ाई कर रहा है, उसको रिटर्न मिल रहा है, उसका बोर्ड का एग्जाम हो रहा है, लेकिन क्या आप सोचिए कि वो छोटे बच्चे जो पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा में, क्या उनके लिए वो मायने रखता है? और दूसरी बात कि 100% जैसा कि कोरोना काल में आपने अभी बोला कि हम लोगों ने साथ में मिलके काम किया, एक परिवार की तरह काम किया, मैंने देखा कि कोरोना काल में बहुत सारे परिवार ने, बहुत सारे लोगों ने मिलके एक दूसरे की मदद करी, तो क्या अब उनका स्टेप नहीं बनता ये स्कूल प्रशासन का कि हम एक पेरेंट्स के साथ जो कि हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, जिनके बच्चे 10-10 साल हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, तो हम उनके साथ जुड़ के इस जो अभी डिफिकल्टी आई है, जो ये टाइम आया है, उसके अंदर उनको राहत दें। ये स्कूल की तरफ से मेरे को लगता है कि उनका ये स्टेप होना चाहिए कि हम अपने पेरेंट्स के साथ जुड़े रहने के लिए अपनी तरफ से उनको छूट दें, अपनी तरफ से उनको डिस्काउंट्स दें, जिससे कि पेरेंट्स में भी एक पॉजिटिविटी रहे।
जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन की तरफ से भी अभिभावकों को पूरी सुविधा देनी चाहिए। मैं शांतनु जी आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि स्कूल जो होते हैं वो सेवा केंद्र होते हैं, यानी कि सेवा के या समाज सेवा के नाम के लिए खोले जाते हैं, लेकिन वर्तमान में हम देख रहे हैं कि स्कूल जो है एक बहुत बड़ा व्यवसाय बन गया है। हालांकि सरकार की तरफ से भी स्कूल जब भी कोई खोलता है तो उसको विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, उनको कौड़ियों के भाव में जमीनें अलॉट की जाती हैं, उनको बहुत सी और भी जो फंडिंग है वो सरकार की तरफ से दी जाती है, चाहे वो राज्य सरकार हो या वो केंद्र सरकार हो, उनको कहीं ना कहीं से ये सुविधाएं मिलती है क्योंकि वो सेवा का कार्य कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सेवा कार्य को व्यवसाय बनाना कितना उचित है या कितना अनुचित? देखिए, एजुकेशन को व्यवसाय बनाना तो कदापि उचित नहीं है किसी भी प्रकार से। और जैसा कि मैडम ने भी कहा, मेरा भी ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही अंतरिम आदेश में कहा हो कि आप 100% वो ले सकते हैं, मगर यहाँ पे विद्यालय हैं, मैनेजमेंट कमिटीज हैं, वो अपनी तरफ से पहल करके एक पक्ष ये दिखा सकते हैं कि साहब 100% नहीं, हमने आपको इतनी सर्विस दी तो 67, क्योंकि उन्होंने नो डाउट सैलरीज में कटौती की, उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम आई, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम आए, तो अपनी तरफ से पहल करें तो उनके हाथ सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी नहीं बांधे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो एक विश्वास जीत सकते हैं। बहुत से स्कूलों में किए भी हैं, बहुत से स्कूलों में हमने देखा किए भी। अब इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, इस ऑर्डर में भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो हर स्कूल को, और हम कोई एक क्लास ये पूरी एक स्कूल पे भी लागू नहीं कर सकते, क्लास बाय क्लास, जैसे कि जूनियर क्लासेस हैं फर्स्ट से फिफ्थ, जब ऐसी लेबोरेटरी और कोई फैसिलिटी नहीं होती, कम टीचर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको अकॉर्डिंगली आप रियायत वहां पे दें, जहां पे जिस तरह का एजुकेशन लेवल है, जिस तरह की सर्विस आपने दी है उसके अनुपात में आप लेवे, तो ये एक अच्छी पहल होगी और विश्वास जीत पाएंगे जितने भी विश्वविद्यालय वगैरह, और एक इम्प्रूवमेंट के डायरेक्शन में ये पहल होगी, मेरा ये मानना है। बिल्कुल, कहीं पे भी ये बाध्यता नहीं है कि 100% फीस का कह दिया लेने को तो वसूलें, स्कूल अपनी तरफ से भी रियायत दे सकते हैं, उसमें कोई सुप्रीम कोर्ट का या किसी आदेश का कोई बंधन किसी भी प्रकार का नहीं है। मनीष जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए अभी जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसमें बहुत से लोग हमें अपने व्हाट्सएप से मैसेज भी भेज रहे हैं। ये एक नाम है सुरेंद्र कुमार जी जाखड़ साहब। सुरेंद्र कुमार जी जाखड़ साहब कह रहे हैं कि उनकी खुद की स्कूल एक चलती है, लेकिन आज तक कोई अभिभावक या कोई भी जो अभिभावक आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं वो हमसे मिलने तक नहीं पहुंचे हैं, हमने स्वतः ज्ञान से हमने 25-30% फीस जरूर जमा की है, जो आपके साथ अभिभावक संघ के लोग बैठे हैं उनसे पूछिए कि क्या वो स्कूल के, जो चाहे वो निजी स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, वहां के प्रबंधन के लोगों से या उनकी जो कमेटी बनी हुई है उनसे उन्होंने मुलाकात की भी है या नहीं की है, ये उनका सवाल है। देखिए, हम कम से कम जयपुर के, मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ, 20 स्कूलों के अंदर तो द्वार के ऊपर मैं गया हूँ और वहां प्रयास कर रहे हैं कि बैठकर बातचीत हो, लेकिन गेट पे नहीं खोले गए और कोई व्यक्ति वहां प्रॉपर व्यक्ति आया भी नहीं, बड़ा पुलिस को बुला लिया गया, ऐसी बहुत सारी प्रयास हमने किए और ये बाकायदा सारी चीजें पूरी सोशल मीडिया पे गई हैं, और हमने हमेशा निवेदन किए की प्रयास करें कि भाई इस मामले को आप समझें और पॉजिटिव मैनर के अंदर आए, हम कोई झगड़ा करने, लड़ने, हंगामा खड़ा करने का कोई मकसद नहीं है। जी, अभिभावक वर्ग एक संजीदगी वाला वर्ग होता है, उसके बच्चे भी उसको देखते हैं कि मेरे पापा क्या कर रहे हैं, मेरी मम्मी क्या कर रही है, तो हमको बहुत ही गरिमा के साथ में करना पड़ता है और ये हमारा दायित्व तो बनता है कि हम समाज के अंदर एक अच्छी भाव बनाएं, लेकिन लगातार उनसे नहीं मिलना, लगातार दरवाजे बंद कर देना, ये असंवेदनशीलता लगातार जो बढ़ती गई तो गुस्सा बढ़ना स्वाभाविक था, लाजमी था, दबाव हमारे ऊपर जो आ रहा था ये था, और आज भी वो जो आप बात करें, जो कि हमने अभिभावक एकता आंदोलन का एक हेल्पलाइन नंबर 9309333662 ये जारी किया हुआ है, और पिछले चार दिन आप के इस नंबर को एक बार और बोल दीजिए ताकि हमारे जो अभिभावक देख रहे हैं, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी नंबर पता चल जाए ताकि वो अपनी बात उस नंबर पर रख सके। जी, 9309333662 ये एक हेल्पलाइन नंबर हमने जारी किया हुआ है, इस पे पिछले तीन दिन के अंदर कम से कम 250 कॉल आई है और उन कॉलों के अंदर 50 कॉल ऐसी है जिन्होंने मुझे भेजे भी है साक्ष्य कि उनके स्कूल में क्या है, कुछ ने मुझे ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए परमिशन किया तो मेरे पास वो भी है, तो मैं जितना भी आपको बात बोल रहा हूँ ये तथ्यों और साक्ष्य के आधार पर बोल रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आने के बाद इन लोगों ने दबाव बनाना तेजी से चालू करा है और ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल निर्णय आए उससे पहले मैक्सिमम लोगों की फीस जमा हो जाए, ऐसा हम इनको दबाव बनाए, तो ये बाकायदा कुछ स्कूलों ने नोटिस भी जारी करे हैं, मैसेज भी गए हैं, कुछ कॉलिंग्स भी जा रही है स्कूल्स की,
ये लगातार तमाम चीजें बढ़ती जा रही है, इन्हीं का एक ही मकसद है कि ये जल्दी जल्दी हो जाए। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि सारे लोग ऐसे नहीं है, कुछ लोग अच्छे हैं जो आए हैं, उनका स्वागत होना चाहिए, उनका वेलकम होना चाहिए। और जो आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा स्कूल आता है तो आप बताएं, हम उनकी लिस्ट बना रहे हैं, हम उनके पास जाएंगे, प्रयास करेंगे, समय मिलते उनके पास जाएं और उनको प्रोत्साहित करें। हम केवल नेगेटिव बात नहीं कर रहे हैं, हम उन सबका स्वागत करने को तैयार हैं, अभिनंदन करने को तैयार हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं। और आने वाले समय में मैं भाई साहब आपको एक बात मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि दो बातें इस स्कूल में होने वाली है, कौन लोग सेवा कर रहे हैं, कौन लोग इंडस्ट्री चला रहे हैं। हम अभिभावक एकता आंदोलन की तरफ से आने वाले समय में जब नया सेशन चालू होगा, हम एक लिस्ट जारी करेंगे और उस लिस्ट के अंदर ये स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे कि कौन कौन से राजस्थान के स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने आगे बढ़कर समाज का चिंतन करा और सेवा के लिए अपने कदम बढ़ाए, और कौन से स्कूल हैं जो एडामेंट रहे और जिन्होंने अभिभावकों की नहीं सुनी और मानवीयता के भी रहे। हम ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा, ये आवाज उन तक जानी चाहिए जो लोग वहां पर बैठे हैं, अच्छे और बुरे दोनों, कि ये समय बिल्कुल मथनी वाला समय है कोरोना के अंदर। ये बिल्कुल साफ साफ हो जाएगा कि कौन सेवा कर रहे हैं और कौन व्यापार चला रहे हैं। और अगली बार हम स्पष्ट रूप से मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, हम रिकमेंड करेंगे कि बच्चा आपका कहाँ अभिभावक की बात सुनी जाती, सेवा का भाव कहाँ है। जहाँ सेवा नहीं, जहाँ व्यापार है, वहां क्या बच्चे का निर्माण होगा? जिनका भाव ही सेवा का नहीं है, वो क्या व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे? लेकिन आज फिर पुनः हाथ जोड़कर निवेदन है, गलतियां कितनी भी रही है, बात छोड़िए, कदम बढ़ाइए, हम तैयार हैं स्वागत के लिए, हम अभिनंदन के लिए, मानवीयता के आधार पर अपील करता हूँ, आप आगे आइए। दूसरा, मैं अभिभावकों को कहना चाहूंगा राजस्थान के, बिल्कुल भी डरे नहीं, बिल्कुल भी घबराए नहीं, धैर्य रखें और आपसे ज्यादा आप अपने बच्चों का ध्यान रखें। उनके मन के ऊपर भी बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है। अभी हैदराबाद में एक घटना हुई है, 10वीं क्लास की छात्रा ने आत्महत्या करी है स्कूल के दबाव के चलते, परिवार के चलते। ये घटना राजस्थान के अंदर किसी भी सूरत में नहीं घटनी चाहिए, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। तुरंत प्रभाव से सरकार को आगे ना आना चाहिए, विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, स्कूल वालों के आना चाहिए। अगर एक भी घटना राजस्थान के अंदर घट गई तो ये अभिभावक जो आज शांत बैठा हुआ है, जो संवेदना की बातें कर रहा है, इसने अगर ये बढ़ गया ये गुबार, तो इसके अंदर बहुत से लोग बह जाएंगे। ये बात बहुत स्पष्ट रूप से सुन लेनी चाहिए उन स्कूलों के ऊपर। मैं कहता हूं, मैं जाऊंगा, मैं तो उस स्कूल में ताला लगाऊंगा जहां पर यह घटना घट गई, फिर चाहे वहां पुलिस आए, कोई भी आए। अगर कोई भी एक बच्चा, एक बच्चे के ऊपर कोई गलत घटना घट गई राजस्थान के अंदर, सरकार को भी कहना चाहूंगा तुरंत इसके ऊपर निर्णय ले। बहुत बहुत संवेदनशील मुद्दा है, हैदराबाद की घटना हमारे को सामने है। यदि आज भी हम खामोश रहे तो ये समय हमको बख्शेगा नहीं। कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस सभा के अंदर जितने भी लोग शांत बैठे हुए थे, उन लोगों को उनके नाम इतिहास के पन्नों में किस रूप में दर्शाए गए हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आज ये मौन रहने का समय नहीं है, ये शांति का समय, ये निर्णय लेने का समय है। जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट का अपना निर्णय चलेगा, मैंने उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हमने काम शुरू कर दिया है जमीन के आधार के ऊपर। हम सबसे मिल रहे हैं लगातार, और कहीं पर भी कोई गलत डिसीजन नहीं ले, कोई भी गलत डिसीजन करता है तो आप परामर्श, जो हमने नंबर डाला है इसके ऊपर अपने एविडेंस भेजिए, अपने रिकॉर्डिंग भेजिए, जो स्कूलों के मुझे भेजिए, हम मिलकर मुख्यमंत्री से मिल गया, उनको दिखाएंगे एविडेंस के आधार के ऊपर कि इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। देखिए, हम भी यही चाहते हैं कि किसी भी बच्चे के ऊपर या अभिभावकों के ऊपर किसी भी तरह की कोई घटना या दुर्घटना नहीं हो, और वो अच्छे से इस समय को निकालकर एक नए दिशा की और एक नए जीवन की ओर अग्रसर हो। हमारी सभी की ओर से शुभकामनाएं हैं। दीप्ति जी, आपके लिए एक सवाल है, सरिता जी वैष्णव हैं, उनका सवाल है कि दीप्ति जी से आप ये पूछिए कि अगर फीस नहीं जमा कराएंगे अभिभावक तो हम जैसी जो टीचर्स हैं उनका क्या होगा, जो वहां पर हमारे ऑफिस बॉय काम कर रहे हैं उनका क्या होगा, जो दूसरे गरीब परिवार के लोग स्कूल में काम कर रहे हैं उनका क्या होगा। बिल्कुल सही, सरिता जी ने बहुत सही सवाल पूछा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कि मेरे संपर्क में हैं, जिन्होंने मुझे ये चीज बताई है कि मैडम, अगर हमारे स्कूल ने, स्कूल प्रशासन ने ये कंडीशन रखी है कि जब तक स्कूल में बच्चों की फीस जमा नहीं होगी, तब तक टीचर को या किसी भी वहां पे ऑफिस बॉय को या किसी को भी तनख्वाह नहीं दी जाएगी। तो मैंने इनका दीप्ति जी ये भी कहना है कि जब लगातार सरकारी नौकरी में जो लोग हैं उनके अभिभावकों को पूरा वेतन मिल रहा है, डॉक्टर्स हैं या बहुत से, इन्होंने लिस्ट लंबी दी है, उन सभी को तनख्वाह मिल रही है, तो वो डिपॉजिट क्यों नहीं कराए? क्या उनके अंदर मानवीयता नहीं है? मैं सरिता जी को एक चीज बताना चाहूंगी कि जितने भी गवर्नमेंट हैं या जहां तक मेरी नॉलेज में अभी लोग आए हैं, वहां पे उनकी भी तनख्वाह को काट के दिया जा रहा है।
कहीं भी देखा जाए तो सैलरी में किसी को 25%, किसी को 40% ऐसे करके माइनस करके उनको दिया जा रहा है। मैंने अभी तक आपसे एक बात रखी, मैंने ये नहीं कहा कि हम स्कूल को स्कूल प्रशासन को फीस नहीं देंगे, मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू अकेडमिक सेशन के हिसाब से आप फीस लीजिए, जो बनता है वो हम देंगे, उससे ना तो कोई भी टीचर को परेशानी हो, ना हम किसी भी ऑफिस बॉय को परेशान करना चाहते हैं। और जैसा कि मैंने शुरुआत तौर में आपको कहा था कि इन सबसे ज्यादा जरूरत है मेरे इन सबसे ज्यादा जरूरत है मेरे उस ऑटो ड्राइवर को, जो कि एक बार भी मेरे दरवाजे पे नहीं आया पूरे साल भर में पैसा मांगने के लिए। तो इन सभी लोगों के लिए हमने नजरअंदाज नहीं किया, हम लोग चाहते हैं इन सभी लोगों को फीस भी मिले, सैलरी भी मिले, अपने सब चीजें मिले, लेकिन हमारे लिए क्या छूट दी जाती है, हमारे साथ कितनी तरह से स्कूल प्रशासन हमारे साथ डील करता है वो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले कुछ समय से मैं भी स्कूल प्रशासन के साथ मिल रही हूं, और हम लोग बहुत सारे पेरेंट्स स्कूल के बाहर भी जाके मिले थे उनसे, मैंने उनसे सिर्फ ये बात रखी थी कि मुझे किसी भी कोर्ट के फैसले से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ ये मतलब है कि आप और हम मिलके किस तरह से फीस के फैसले के ऊपर काम कर सकते हैं। बिल्कुल। तब मुझे स्कूल प्रशासन ने कहा था कि हम आपको सोच के बताएंगे, क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे कि हमारे को कोर्ट से ऑर्डर मिल जाए, हम उसके तहत आपसे उतनी फीस वसूल करें। अब जब से कोर्ट का फैसला आया है 100% का, तो उन्होंने मुझे नोटिस जारी कर दिया है, जो कि नोटिस मेरे पास है अभी स्कूल से मिला हुआ है, और लगातार मुझे स्कूल से फोन भी आ रहे हैं कि आप 100% फीस जमा करवा दीजिए 6 महीने के तहत में, जिसमें आपका इंस्टॉलमेंट बना दिया गया है। तो मैं सिर्फ उनसे इतना कहना चाहती हूँ कि आउट ऑफ द कोर्ट जाके आप आउट ऑफ द कोर्ट जाके मेरे से एक सेटलमेंट कीजिए कि मेरे बच्चे को आप कितने प्रतिशत डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन इस बारे में बात नहीं करना चाहता। सिर्फ उसकी एक ही जिद है कि कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, एंड द फाइनल इज दैट कि कोर्ट ने जो बोला है वो फाइनल है। जब स्कूल प्रशासन और अभिभावक एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे तो कोर्ट जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मनीष जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर, जो पहला प्रश्न जो दीप्ति से आपने पूछा था, उसका जवाब मैं देना चाहूंगा। जिन्होंने पूछा है वो कि ये टीचर्स को और स्टाफ को क्यों उनकी कटौती हो, उनको क्यों नहीं दी जाए, ऐसा प्रश्न था जी। मैं एक बात कहना चाहूंगा जिन्होंने भी प्रश्न करा है, सबसे पहले तो मैं उन तमाम जी का सवाल था सबसे पहले तो मैं उन तमाम शिक्षकों को प्रणाम करना चाहूंगा हम सब अभिभावकों की तरफ से। देखिए, कहीं पर भी शिक्षक और अभिभावकों की ये लड़ाई नहीं है इस समय, और उनके प्रति कोई भी नहीं, उनके प्रति पूरा सम्मान है। एक्चुअली ये तो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ जो इंडस्ट्रियस्ट बन के आ गए, या कुछ शिक्षक अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते हुए और अपनी धन के प्रति लोभ के चलते हुए जो व्यापारी बन गए, ये लड़ाई उस लोगों के बीच में है। लेकिन जब युद्ध चल रहा है, युद्ध इस समय, तो इस समय स्टेच्यू सर्किल के ऊपर इन स्कूल वालों ने कुछ समय पहले अपने सारे स्टाफ को भेज दिया था कि जाओ वहां पर खड़े हो जाओ, प्रदर्शन करो। तो ये कूटनीति और राजनीति चल रही है, क्योंकि स्कूल वाले लोग बेचारे उनको उनसे एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उनको धमकियां दी जाती है। एक अनुपमा सीरियल आ रहा है, उसके अंदर भी देखा होगा कि इसको किस तरह से मैनेजमेंट के लोग, अनुपमा जी को एक सीरियल आ रहा है बहुत अच्छा था, उसमें दबाव डालते हैं। तो ये वास्तविकता है समाज की, तो उन सब ने दबाव डालकर उनको भेज दिया अपने टीचरों को और शिक्षकों को। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप तमाम आदरणीय है, आपका विनम्र प्रणाम करता हूँ, लेकिन आप पूछिए उन लोगों से कि जब ये आज से 20 साल पहले 4 कमरों से जो स्कूल चल्लू हुआ था, आज वो 10 मंजिल की इमारत बन खड़ी हो गई है। बिल्कुल। जब इन लोगों ने पैसा कमाया था, जब इनके लाभ की तिजोरियां भर रही थी, जब ये इतना तेजी से इनकी स्कूटर जो थे जिन लोगों के पास, उनके पास आज मर्सिडीज गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, तो क्या इन्होंने कभी अपने स्टाफ को क्या बोनस दिया था, क्या कमीशन दिया था, क्या उसके अंदर प्रॉफिट के अंदर लाभ दिया था, जो आज इनके पास पैसा नहीं आ रहा तो ये बात कहते हैं कि हम आपकी फीस पैसा नहीं आ रहा तो शिक्षक के पैसे काटेंगे। ये इनकी सोची समझी राजनीति है, इनकी कूटनीति है कि शिक्षक को आगे कर दो और एक कम से कम ये मामला हो। जब वो लाभ के अंदर आप उनके पार्टनर नहीं है, तो आज जब इस दौर के अंदर उनके पास फीस नहीं आ रही है, तो आप उनके वो कैसे आपकी आपका आपकी तनख्वाह काट सकते हैं, आप उनसे कैसे इस तरह का अन्याय कर सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि अभिभावकों के लिए नहीं, मैं उन सारे मैनेजमेंट और स्कूल वालों से बोलना चाहूंगा कि एक भी शिक्षक का पैसा उनको नहीं काटना चाहिए, शिक्षक को उसका पूरा पैसा मिलना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन क्लास में अपनी तरफ से मेहनत करने का पूरा प्रयास करा है, इसलिए उनको बीच में ना लेके आए, इसको राजनीति के रूप में रण इसके रूप में काम में ना लें, इन लोगों को टूल के रूप में काम मत ले अपने स्टाफ को, उनको पूरी स्टाफ उनको देनी चाहिए, उनका कोई दोष नहीं है। आप लोगों ने पैसा कमाया है, आप लोगों ने प्रॉफिट कमाया है, तो आज आप लोगों की जिम्मेदारी है कि समाज की सेवा कीजिए, मानिए। बिल्कुल, सेवा भाव से अगर आप कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो आपको सेवा का भाव हमेशा रखना चाहिए। शांतनु जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं मनीष जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि एक तरह का रिफ्ट क्रिएट कर दिया गया है कि जैसे कि जो पेरेंट्स हैं वो टीचर्स के अगेंस्ट हैं,
और दूसरी बात मैं ये कहूँ आपको कि हम अगर पेरेंट्स अगर फीस देते हैं तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए देते हैं, हम कोई फंडिंग नहीं कर रहे हैं उनकी। अगर हमको रिटर्न, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं कि सब आपको स्कूल चलाना है तो आप करें। और एक और बात मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से कि मैं दावे से कह सकता हूं जितने भी स्कूल हैं वो कितने नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, नॉर्म्स और ग्रेड के हिसाब से टीचर्स को प्रे कर रहे हैं। अगर आप आज स्क्रूटनी कर लें तो 90% आपको ऐसे मिलेंगे जिनको जो नॉर्म्स के हिसाब से जो एंटाइटलमेंट है सीबीएसई वगैरह ने ले डाउन किए उसके अनुरूप वो दे ही नहीं रहे, कटौती ऑलरेडी करके चल रहे हैं। आज सिर्फ आप इस नाम को लेकर के और आप इन लोगों की सैलरी देनी है, एक सिंपैथी जनरेट कर रहे हैं अननेसेसरी की। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ, टीचर्स ने बहुत मेहनत की है, लगातार कर रहे हैं, उसका आउटपुट इतना नहीं मिला है क्योंकि ये ऑनलाइन सिस्टम एक हमको इमरजेंसी की देन है, हम कभी कोई भी इसके लिए प्रिपेयर नहीं था। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि उसके बावजूद भी वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाई है। टीचर्स ने एफर्ट किया, उनको मैनेजमेंट देने में हर तरह से सक्षम है, लेकिन पेरेंट्स और उनको ऐसी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में डाल के वो अच्छा नहीं कर रहे, एक दूसरे का रिस्पेक्ट खत्म कर रहे हैं, जो कि हार्मनी खत्म कर रहे हैं, जिसके इम्पैक्ट आगे तक भी हो सकते हैं। तो ये स्कूलों को समझना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें, मैनेजमेंट को ये समझना चाहिए। निश्चित तौर पर आप तीनों ने जो बात कही मैं आप तीनों का धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि समय की भी एक सीमा है, समय का भी हमें ख्याल रखना है और हम उम्मीद करते हैं कि जी जी आप बताइए। मैं एक मिनट समझ चाहूंगा आपको, मैं एक मिनट चाहूंगा जी जी। देखिए इसमें एक प्रश्न मेरे सामने बार बार आया है, वो मैं यहाँ रखना चाहूंगा कि मेरे सामने प्रश्न आया कि 70 लाख अभिभावक जब राजस्थान के अंदर है तो आप लोग कितने लोग नजर ही नहीं आते हो, कहाँ पर हो आप लोग? तो उसका जवाब मैं देना चाहूंगा, कई बार ये प्रश्न आ रहा है बार बार कि हिंदुस्तान के अंदर 4% केवल मध्यम वर्गीय परिवार है और मध्यम वर्गीय परिवार ही इस समय सबसे ज्यादा प्रॉब्लम के अंदर है, और उसके अंदर भी जो अभिभावक वर्ग है उसका मैक्सिमम जो पार्ट है बड़े स्कूल जिसमें जब जिनके बच्चे जा रहे हैं मध्यम वर्गियों के सबके, तो वहां पर पूरी तरीके से असंवेदनशीलता है। और ऐसी स्थिति के अंदर ये जो वर्तमान के अंदर स्थिति आई है इसके समाधान के मार्ग हमको प्रशस्त करने पड़ेंगे। और मैं क्षमा चाहूंगा, मैं जो बात कहना चाह रहा था मैं चूक गया। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है इस तरह। हाँ एक बात, हाँ ये जो एक मिनट आ गई सर बात कि हम लोग भले संख्या में नजर नहीं आ रहे लेकिन हम घरों के अंदर सोशल मीडिया के माध्यम से हैं। तो हमने आज से अभिभावक एकता आंदोलन ने शुरू करा है एक अभियान की काली पट्टी हम लोग बांध के अपने यहाँ पे रहेंगे। यदि आप अपनी सर्विस पे जा रहे हैं, यदि आप अपने व्यापार पे जा रहे हैं तो अपने वहां जाइए, आप रोड पे नहीं आ पा रहे लेकिन आप कम से कम सब लोग से निवेदन है काली पट्टी बांधे जब तक ये समाधान नहीं होता, जिससे कि वो संख्या बल उनको नजर आए कि सब लोग और सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक पे व्हाट्सएप पे अपनी प्रोफाइल डीपी लगाएं और भेजें कि हम इसका समर्थन करते हैं, एक मुहिम चले, ये शिक्षा को मंदिर की जगह जो व्यवसाय बना दिया है इसके लिए एक मुहिम की आज पूरे देश के अंदर जरूरत है। बिल्कुल, शिक्षा क्योंकि एक मंदिर की तरह है, वहां पर ज्ञान आपको मिलता है, आपका जीवन जो है एक परिवार का जीवन सुधरता है, एक व्यक्ति का जीवन सुधरता है। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो भी उचित निर्णय हो वो हम सभी के सामने आए और अभिभावकों को भी एक आरामदेह स्थिति में आए और लगातार उनके ऊपर जो कोरोना की मार है उस मार को थोड़ा सा कम होकर उनकी जो उचित मांगे हैं वो पूरी हों। और हम ये भी चाहते हैं आम लोगों से या स्कूल प्रशासन से कि जो स्कूल है उसको व्यवसाय ना बनाए, उसे एक सेवा का भाव रहने दें और सेवा कार्य को सेवा की तरह करें। आप तीनों ने हमारे कार्यक्रम में भाग लिया, शांतनु शर्मा जी आपका, मनीष विजयवर्गीय जी आपका और दीप्ति जी आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। A platform to sharing your thoughts.